हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 7 स्टार्ट किया था, जिसको हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन बोलते हैं। उसमें हम लोगों ने कई टर्म्स डिस्कस किए कि पार्टिकल्स क्या है, सिस्टम क्या है, इंटरनल फोर्सेज क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेज क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिफरेंस क्या होता है, सेंटर ऑफ मास को डिफाइन कैसे करें, सेंटर ऑफ मास इमेजिनरी है या रियल है, सेंटर ऑफ मास इनसाइड लाई करता है या आउटसाइड लाई करता है। आगे अब हम कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। देखिए, अब हम देखेंगे कि कोई भी सिस्टम अगर टू पार्टिकल से मिलकर बना है जिनके मास या मोल वाई एम टू है, तो उसका हम सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करें। अब हम देखेंगे कि कोई एक सिस्टम है जो टू पार्टिकल से मिलकर बना है जिनके मास या मोल वाई एम टू है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करें। आइए देखें, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास देखेंगे। स्टेप वन है, लेट अ सिस्टम इज मेड ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2। हमने सपोज कर लिया कि कोई एक हमारा सिस्टम है जो दो पार्टिकल्स से मिलकर बना है जिनके मास m1 बाय m2 है। क्या m1 बाय m2 है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। हमें इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। मींस हमारे पास एक सिस्टम है जो दो मासेस से मिलकर बना है m1 बाय m2, हमें इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। तो आइए देखें, स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम ओरिजिन चूज कर लेंगे, फर्स्ट वी चूज ओरिजिन से इट इज मोर। हमें इस ये m1 है, ये m2 है, हमें इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। तो पहले स्टेप पर क्या करेंगे, एक ओरिजिन चूज कर लेंगे। हमने ओरिजिन को चूज कर लिया, ये ओ एक्स एक्स एक्सिस ले लिया, ए ओ वाई वाई एक्सिस ले लिया। अब हम ओरिजिन को के रेस्पेक्ट में m1 m2 के पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। वी राइट पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 एंड m2 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में m1 m2 के पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। सपोज कर लो ये वेक्टर r1 है और r2 है। क्या है, वेक्टर r1 है, वेक्टर r2 है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, अब सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट जो गिवन है वो rcm m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2, ये आपका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। rcm equal to m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2। यहाँ पर m1 क्या है, फर्स्ट पार्टिकल का मास है, r1 क्या है, फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, m2 क्या है, सेकंड पार्टिकल का मास है, r2 क्या है, सेकंड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, cm क्या है, सेंटर ऑफ मास है, RCM क्या है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है। क्या सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है। अगर हम ओरिजिन O को सेंटर ऑफ मास पर कंसीडर कर लें, अगर हम ओरिजिन O को सेंटर ऑफ मास पर कंसीडर कर लें, तो RCM कितना हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, RCM जीरो हो जाएगा। तो हो जाएगा m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, या m1 वेक्टर r1 इक्वल टू माइनस m2 वेक्टर r2 हो जाएगा। m1 वेक्टर r1 इक्वल टू माइनस m2 वेक्टर r2 हो जाएगा। तो m1 अपॉन m2 इक्वल टू माइनस r2 अपॉन r1 हो जाएगा। m1 अपॉन m2 इक्वल टू माइनस r2 अपॉन r1 हो जाएगा। ये m प्रोपोर्शनल और अपॉन r हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो r की इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। जो मास हैवियर होगा उसके सेंटर ऑफ मास ज़्यादा नज़दीक होगा, और जो मास लाइटर होगा उससे सेंटर ऑफ मास दूर होगा। तो अगर कोई दो पार्टिकल का सिस्टम है तो उसका सेंटर ऑफ मास हैवियर पार्टिकल की तरफ लाई करेगा। अब अगर हम सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखें, हमारा आर सी एम इक्वल हो जाएगा एक्स सी एम इंटू आई है प्लस वाई सी एम इंटू जेड जे है प्लस जेड सी एम इंटू के है। तो एक्स सी एम आपका आ जाएगा एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। वाई सी एम इक्वल टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। जेड सी एम इक्वल टू एम वन जेड वन प्लस एम टू जेड टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो ये आपके एक्स वाई जेड ये तीनों जो है कोऑर्डिनेट आ जाएंगे सेंटर ऑफ मास के। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम विल लाई टुवर्ड्स हैवियर मास। अगर दो पार्टिकल से मिलकर के कोई सिस्टम बना हुआ है तो उसका सेंटर ऑफ मास
हाइयर पार्टिकल की तरफ लाई करेगा। आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज द वेटेड एवरेज ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल्स मेकिंग द सिस्टम। यहाँ से अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ मास इसको वेटेड एवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेटेड एवरेज। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो सभी पार्टिकल का वेटेड एवरेज के बराबर है। सेंटर ऑफ मास जो है सभी पार्टिकल के वेटेड एवरेज के ऊपर है। अब यहाँ से हम राइट कर सकते हैं यमन प्लस एम टू इनको आर सी एम इक्वल टू यमन आर ओ प्लस एम टू आर ओ। यमन प्लस एम टू इनको आर सी एम इक्वल टू यमन वेक्टर आर ओ प्लस एम टू वेक्टर आर ओ मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल मास एंड देयर पोजीशन वेक्टर। द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम का टोटल मास है एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मास। ये जो इंडिविजुअल मासेस हैं इनके प्रोडक्ट एंड देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर, और इनके जो पोजीशन वेक्टर है इनके प्रोडक्ट के सम के इक्वल होता है। इफ m1 = m2 = m, अगर दोनों मासेस का सेम मान लें rcm क्या रहेगा r1 + r2 = r2, दैट्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ टू इक्वल मासेस जस्ट लाइक एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग देम। अगर टू मासेस टू इक्वल मासेस का कोई एक सिस्टम बना हुआ है तो उसका सेंटर ऑफ मास उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट पर लाई करेगा। अगर टू इक्वल मासेस का कोई एक सिस्टम बना हुआ है तो उसका सेंटर ऑफ मास दोनों मास को ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट पर होगा। अब आइए हम देखें कि सेंटर, ये तो रहा टू पार्टिकल का सिस्टम, मीन्स कोई एक सिस्टम जो दो पार्टिकल से मिलकर बना है, जैसे एक्सीएल है, ये चुड़ियाल है, ये अगर दो से ज़्यादा पार्टिकल से तब सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। आइए हम देखें सेंटर ऑफ मास ऑफ द यंग पार्टिकल सिस्टम, अगर कोई कैपिटल यंग पार्टिकल से मिलकर बना है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। आइए फर्स्ट स्टेप देखते हैं। लेट अ सिस्टम इज मेड ऑफ कैपिटल यंग पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 m3 m4 एंड वी हैव टू फाइंड आउट rcm ऑफ द सिस्टम। कोई एक सिस्टम है जो यंग पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, हर एक पार्टिकल का मास m1 m2 m3 mn है, इसका हमें सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ओरिजिन चूज कर लेते हैं। क्या करते हैं? ओरिजिन चूज कर लेते हैं। ओरिजिन चूज करके हम हर एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर राइट कर देते हैं। m1 का पोजीशन वेक्टर r1 है, m2 का पोजीशन वेक्टर r2 है, m3 का r3 है, m4 का r4 है, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हो जाता है m1 r1 + m2 r2 + m3 r3 = mn अपॉन m1 + m2 + m3 = mn, जहां समेशन m टोटल मास हो जाएगा, हो जाएगा m1 + m2 + m3 = mn टोटल m हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा m1 r1 + m2 r2 + m3 r3 + अपॉन टोटल m हो जाएगा, कैपिटल m r c m r1 + m2 r2 + m3 r3 + mn आगे हो जाएगा। यहां से ये तो है सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, ये आपका इन दोनों का, ये टोटल मास है सिस्टम का। अब अगर हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखें तो ये xc हो जाएगा m1 x1 + m2 x2 + m3 x3 mn xn अपॉन m1 + m2 + m3 डॉट mn हो जाएगा। y = m1 y + m2 y2 + m3 y3 + m2 y3 अपॉन m1 + m2 + mn आ जाएगा। z = m1 z1 + m2 z2 + m3 z3 + mn z3 अपॉन m1 + m2 mn आ जाएगा। अब ये तो रहे x y और z कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के। आइए अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखें। देखें कि सेंटर ऑफ मास मूव कैसे करता है, उसके मोशन का क्या इक्वेशन होता है। तो देखें इफ m1 वेक्टर m1 कॉमन f2 एंड m3 एंड mn विद द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स ऑफ मास m1 m2 m3 एंड mn एंड mn एट एक्सटर्नल इक्वल टू वेक्टर m1 + f2 + f3 वेक्टर mn। अगर हम ये कंसीडर कर लें कि m1 का मास है उस पर एक्सटर्नल फोर्स f1 लग रहा है, m2 को जो मास है उस पर एक्सटर्नल फोर्स वेक्टर f2 अप्लाई हो रहा है, m3 पर f3 अप्लाई हो रहा है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा समेशन वेक्टर f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस fn हो जाएगा। अब न्यूटन सेकंड अप्लाई करें, f नेट एक्सटर्नल इक्वल टू m इनटू acm, तो यहां से acm आ जाएगा f नेट अपॉन m, जहां acm सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, f नेट जो है नेट एक्सटर्नल फोर्स है, m जो है टोटल मास है बॉडी का, क्या है टोटल मास।
वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आइए और हम कुछ केस देखते हैं कि वेलोसिटी कैसे निकालें, एक्सेलरेशन कैसे निकालें और लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे अप्लाई करें ईयर पार्टिकल के सिस्टम के केस में। ओके, तो आइए हम डिस्कस करते हैं इन केसेस को।